तो जहां धन कुबेर की दौलत की गिनती चल रही है, वहीं सियासत भी जम करके हो रही है। आज अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने ऐसा हमला किया है कि यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमले की शुरुआत पहले योगी ने ही की हो। योगी से पहले एक चुभता हुआ ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया था। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इनकम टैक्स की छापेमारी को राजनीतिक दल चुनाव से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं। चुनाव से पहले इनकम टैक्स की छापेमारी से गर्म हुई यूपी की सियासत। कानपुर के धनकुबेर का बहाना भाजपा का सपा पर निशाना। यूपी की राजनीति इन दिनों छापेमारी की वजह से गरमाई है, क्योंकि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी और 257 करोड़ की बरामदगी के बाद सपा और भाजपा आमने सामने है। पीयूष जैन के पॉलिटिकल कनेक्शन निकाले जा रहे हैं। भाजपा इत्र कारोबारी को सपा से जोड़ रही है और सपा उसका भाजपा से कनेक्शन निकाल रही है। लेकिन अब ये लड़ाई भाजपा और सपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच होने लगी है। सोमवार को सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर नोटबंदी का विरोध करने और इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद हुए खजाने को लेकर ऐसा हमला बोला कि सूबे की सियासत का पारा चढ़ गया। ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे, आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआर नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया के इस हमले से पहले एक चुभता हुआ ट्वीट सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी किया था, जिसमें अखिलेश ने लिखा था कि झूठ के फूल का जड़ मिल गया है, ये भाजपा के गिरते स्तर का शिखर है। दरअसल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी में बरामद हुए खजाने को लेकर भाजपा और सपा दोनों आमने सामने। पहले भाजपा ने इस छापेमारी का समाजवादी कनेक्शन निकाला। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो यहां तक लिख दिया कि समाजवादी का नारा है जनता का पैसा हमारा है। दरअसल भाजपा पीयूष जैन को समाजवादी इत्र वाले जैन से जोड़कर बता रही है, जबकि सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन इस पर अपनी सफाई देते हुए कह चुके हैं कि उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं। अब सपा इत्र कारोबारी के घर से बरामद हुए करोड़ों के खजाने को नोटबंदी के फेल होने का पैमाना बता रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने नोटबंदी के बहाने जिस तरह से अखिलेश यादव पर हमला बोला, उससे साफ है कि ये लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी के कई करीबी नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, जिसे चुनाव से जोड़ते हुए अखिलेश यादव ने हमला बोला था। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट, अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। तो सवाल बड़ा है कि क्या छापेमारी का सच में चुनाव से कोई कनेक्शन है, या फिर ये छापेमारी आने वाली किसी बड़े छापेमारी की दस्तक है। क्योंकि पीयूष जैन किसके आदमी है किसके नहीं, लेकिन यूपी चुनाव से पहले ये छापेमारी यूपी में चर्चा का विषय बन गई है, जिसे राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगे हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।